हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं IBPS PO का नोटिफिकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि IBPS PO का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, ठीक। और इसका जो है सारे डिटेल्स इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, आपका टोटल वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है यहाँ पे 4300 प्लस है ना, 4300 प्लस है। ये अच्छी बात है कि इस बार वैकेंसीज पिछले बार की तुलना में थोड़ा ज़्यादा हैं, क्योंकि अगर बात करें पिछले बार, अगर लास्ट ईयर की बात की जाए तो पिछले बार का जो वैकेंसीज कितना था, 4252, लेकिन इस बार की जो वैकेंसीज है आपका 4300 प्लस है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने सारे बैंक का यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा हूँ कि कितने किस किस बैंक में कितने कितने वैकेंसीज है। और कुछ बैंक अभी जैसे कि रिपोर्ट नहीं किया, जैसे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपका रिपोर्ट नहीं किया है, ठीक है, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स रिपोर्ट नहीं किया है, सिंडिकेट बैंक ने रिपोर्ट नहीं किया, तो कुछ बैंक का रिपोर्ट करना भी बाकी है। तो यहाँ पे जो 4336 जो वैकेंसीज है ये बढ़कर आपका कहीं ना कहीं लगभग अप्रॉक्स यहाँ पे 5000 के आसपास में वैकेंसीज देखने को बन सकता है ना। तो ये चीज़ें जो महत्वपूर्ण था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो IBPS PO नोटिफिकेशन का अगर हम बात करें 2019 का, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे 4300 प्लस है, ठीक है। और वो अगर रिपोर्ट जो दो तीन बैंक अभी रिपोर्ट नहीं किया, अगर वो रिपोर्ट करते तो ये वैकेंसीज बढ़कर लगभग 4500 के या फिर आपका 5000 के अप्रॉक्स में भी जा सकता है ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, तीन सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश क्वान्टिटी एप्टीट्यूड, उसके बाद आपका रीजनिंग एबिलिटी होगा, जो कि इंग्लिश 30 मार्क्स का, जो कि काफ़ी स्कोरिंग भी सब्जेक्ट है ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, जो अगर इंग्लिश से बचना चाहते हैं उनके लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बाकी क्वांटिटिव एप्टीट्यूड 35 और रीजनिंग 35 मार्क्स के लिए होंगे, 35 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए होंगे। अगर यहाँ पे अगर एक चीज़ और मैं इंग्लिश के बारे में बात करूँ, तो एक तो स्कोरिंग है, लेकिन ये थोड़े डिफ़िकल्ट बन जाते हैं उनके लिए जिनकी इंग्लिश अगर पुअर है, ठीक है, लेकिन जिनकी इंग्लिश अगर ऑन एन एवरेज अच्छा है तो वो काफ़ी ज़्यादा इसमें स्कोर कर सकते हैं। इसमें स्कोर आप आराम से 20 प्लस कर सकते हैं, और ये 20 प्लस आपको रिजल्ट कराने में काफ़ी हेल्पफुल होता है गाइस, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आप कितना भी अच्छा होगे तो 25 प्लस ही कर पाओगे, रीजनिंग की बात करें तो 25 प्लस ही कर पाओगे, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा स्कोर है कि जहाँ से इजी वे में आप 20 प्लस कर सकते हो और अपना स्कोर अच्छा ला सकते हो, ठीक है, स्कोर को अच्छे कर सकते हो। तो देखो, इंग्लिश और रीजनिंग और यहाँ पे इंग्लिश क्वांटिटेटिव और रीजनिंग की बात करें तो सभी सेक्शन के लिए 20-20 मिनट दिए गए हैं ना, हर सेक्शन में आपको 20 मिनट का समय मिलेगा, 20 मिनट से ज़्यादा का समय नहीं दिया जाएगा, कि उन्हीं 20 मिनट में आपको जो क्वेश्चन है 30-35-35 को जो सेट बना है तीन सेक्शन का, उसी में सॉल्व करना है, उसके अलावा समय नहीं मिलेगा। अब यहाँ सवाल होता है कि क्या यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ निर्धारित होंगे, ठीक है, मिनिमम यहाँ पे कट ऑफ होंगे या नहीं, तो यस, ये यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ निर्धारित होगा, मीन्स कि हर सेक्शन में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ लेकर आना है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम इंग्लिश की बात करें तो यहाँ 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपका मिनिमम वहाँ पे कम से कम आपका 10 होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम आपका इंग्लिश की अगर बात करें तो 10 होना चाहिए। अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट में आपका 15 होना चाहिए, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में भी लगभग 15 होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। यहाँ पे क्वांट को और मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा, ठीक है, क्वांट को और मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा, 18 यहाँ पे कर लीजिए और रीजनिंग में भी 18 कर लीजिए, ठीक है। तो ये मिनिमम कट ऑफ जो कितना आपको लाना होगा तभी आप उस सेक्शन को क्वालिफाई करेंगे। ओवरऑल तो ठीक है, आपका जो कट ऑफ बनेगा तो बनेगा ही, लेकिन आपको यहाँ पे इंग्लिश रीजनिंग और क्वांट में आपको मिनिमम जो कट ऑफ है वो क्लियर करने होंगे, ठीक है। ये नहीं कि आप अगर मान लीजिए कि किसी सेक्शन में आपने रीजनिंग में काफ़ी 30 ले आया और क्वांट में आपका जो स्कोर रह गए 12 और इंग्लिश में आपके रह गए 25, तो वहाँ पे आपका रिजल्ट नहीं हो पाया, क्योंकि आपका जो मिनिमम यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ, यहाँ पे साफ मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में, तो आप पहले ही इसको देख लेंगे, ठीक है। ये मिनिमम कट ऑफ जो आपको लाने ही होंगे, है ना, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और चीज़ है यहाँ पे, कि एक बार मैं फिर से इसको स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर दिया, जूम कर दिया, कि देख लीजिए सभी कैटेगरीज वाइज कितने कितने जो वैकेंसीज है, टोटल जो वैकेंसीज है 4336 को कैसे कैसे यहाँ पे डिवाइड किया गया है। देख लीजिए, जनरल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे 2000 सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है, EWS में 432, OBC में 904, ST में 299 और SC में 670, तो ये सब वैकेंसीज ठीक ठाक यहाँ पे है, लास्ट ईयर से थोड़े ज़्यादा वैकेंसीज हैं, ठीक है।
वहीं देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ पे आउट ऑफ विच इसमें से जो PWD वाले के लिए यहाँ पे भी जो वैकेंसी यहाँ पे मेंशन किया गया है ना। अब इसके बाद जो होगा, अब क्या हम बात करेंगे, यहाँ मेंस की बात करेंगे, तो मेंस भी पेपर होगा, लेकिन मेंस में क्या क्या होगा ये चीज़ देख लीजिए। मेंस में क्या होगा आपका, यहाँ पे रिजनिंग 45 क्वेश्चन होंगे, जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो 40 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश में 35 क्वेश्चन होंगे, डाटा एनालिसिस से भी 35 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब सभी सेक्शन का जो मार्क्स होगा ना वो अलग अलग होगा। जैसे रीजनिंग की बात करें 45 क्वेश्चन होंगे, वो 60 मार्क्स के लिए होंगे। बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए होंगे। इंग्लिश 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स के लिए होंगे। और आपका डाटा एनालिसिस जो कि 35 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए होंगे। तो देखिए इसमें जो है डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग करने वाला सब्जेक्ट है, और दूसरा वो है आपका इंग्लिश, ठीक है। प्री में भी इंग्लिश आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और मेंस में भी आपका इंग्लिश काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया एग्ज़ाम कैसा होगा, मीडियम इसका तो बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, ठीक है। और देखिए इसमें पर्टिकुलर आपको टाइम निर्धारित किया गया, पर्टिकुलर टाइम ये निर्धारित किया गया कि सभी सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम है। जैसे कि आपका रीजनिंग के लिए 60 मिनट दिए गए हैं, और जनरल अवेयरनेस या बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो 35 मिनट दिए गए, इंग्लिश के लिए आपका 40 मिनट दिया गया है, और डाटा एनालिसिस के लिए 45 मिनट के। ये जो टोटल जो पेपर होगा ना ये 3 घंटे का होगा, साथ ही साथ इसका जो होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज जिसमें कि लेटर राइटिंग एंड एसे होगा, ठीक है, जिसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, जो कि 2 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स जो होगा मैक्सिमम मार्क्स होगा। इंग्लिश में इसका मिनिमम एग्जाम क्या होगा, इंग्लिश में होंगे, हिंदी में नहीं होंगे, और 30 मिनट का समय निर्धारित होगा, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगा, मेंस पेपर को भी ध्यान में रखना होगा। अभी देखिए यहाँ पे मेंस में भी साफ कहा गया कि मिनिमम स्कोर इन ईच टेस्ट ऑफ ऑनलाइन मेन एग्जाम एंड ऑल्सो अ मिनिमम टोटल स्कोर टू ऑब्टेन कंसंट्रेट टू शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो कहने का मतलब मेंस में भी आपका जो है मिनिमम कट ऑफ है, उसके बाद जो आपका होगा इसमें जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होंगे वो कहाँ जाएंगे, इंटरव्यू में जाएंगे, ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू में जाएंगे। तो ये चीज़ हो गया, आपको प्री कंड निकालना होगा, फिर मेंस का जो पेपर वो देना होगा, फिर आपको इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, क्लियर। अब देख लीजिए यहाँ पे बात हो गया था मेंस पेपर का जो सिलेबस मैंने बता दिया था। फीस कितनी लगनी भाई ये देख लीजिए, फीस लगनी जो आपका जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनको 600 रुपया लगेगा, EVS या OBC वाले के लिए 600 रुपया लगेगा, और जो PWD हैं या फिर SC ST हैं उनको 100 रुपया लगना है। अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है क्या, यहाँ पे बात जो होगा वो होगा कि एग्जामिनेशन का जो है टेंटेटिव जो डेट है क्या है निर्धारित किया गया। देख लीजिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है आपका 7 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक आप ऑनलाइन इसे कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ अब क्या होता है कि आपका जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा वो कब होगा, तो यहाँ पे देख लीजिए अक्टूबर 2019, मीन्स कि अक्टूबर में इसका पेपर होने की आसार या संभावना बताया गया है। मीन्स कि आपका अगस्त जो है आपका लास्ट अगस्त तक आपका जो है फॉर्म फिलअप होगा, 1 महीने का समय मिलेगा और आपका फिर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पेपर की बात करते हैं कि ऑनलाइन मेंस पेपर कब होगा, तो देख लीजिए ऑनलाइन जो होगा प्रिलिमिनरी का यहाँ पे दिया गया है कि आपका 12 अक्टूबर 13 अक्टूबर 19 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को पेपर होगा। रिजल्ट की बात किया गया तो अक्टूबर के लास्ट या नवंबर के आसपास में यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेरेशन की बात की गई। मेंस एग्जाम की बात की गई तो नवंबर में आपका कब है, यहाँ पे देख लीजिए साफ तौर पे क्या है कि 30 नवंबर को इसका मेंस पेपर है, ठीक है। 30 नवंबर को मेंस पेपर, मीन्स की प्रीलिमिनरी की बात करें, ठीक है, प्रीलिम्स की बात करें तो आपका यहाँ पे 4 डेट बताया गया है, और मेंस पेपर की बात करें तो 30 नवंबर को बताया गया है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट ईयर के कट ऑफ के बारे में बात करने लगे, लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था, तो भाई लास्ट ईयर का कट ऑफ अगर देखा जाए तो कुछ ज़्यादा रहा है जो कि एक्सपेक्ट लोग कर रहे थे लास्ट ईयर का। तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें यहाँ पे तो जनरल कैटेगरी का 56.75 गया था, OBC की बात करें कट ऑफ तो 55.50 रहा था, SC कैटेगरी की बात करें तो 49.25 रहा था, और ST कैटेगरी की बात करें तो 41.75 रहा था। तो लास्ट ईयर का कट ऑफ ज़्यादा था। अब बात हो रहा है क्या भाई कि पिछले बार भी तो आपकी वैकेंसीज 4252 था और कट ऑफ कितना था खुद देख रहे हैं, तो इस बार की जो वैकेंसीज 4300 प्लस है, तो इस बार की कट ऑफ क्या रहेगा भाई, तो इस बार की कट ऑफ भी लगभग आपका इसी तरह इसी कुछ रेशियो में देखने को बनेगा। और जनरल कैटेगरी की बात करें तो लगभग यहाँ पे 55 से लेकर यहाँ पे 58 के बीच में देखने को बनेगा। बात करें OBC का तो यहाँ पे 52 से लेकर 56 के बीच में देखने को बनेगा। SC कैटेगरी की बात करें तो यहाँ भी जो होगा 48 से लेकर 50 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। और यहाँ पे ST कैटेगरी की बात करें तो ये भी आपका 45 से लेकर 50 के आसपास में कट ऑफ देखने को बनेगा। ये इस साल की अगर बात करें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऑफिशियल यहाँ पे बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कट ऑफ
लास्ट ईयर का काफ़ी मीन्स कि काफ़ी नहीं कह सकते, एक कह सकते जो एक्सपेक्ट लोग कर रहे थे उससे तो काफ़ी हाई रहा था कट ऑफ, ठीक है। तो इस बार भी कट ऑफ की बात करें तो आपका हाई रहेगा। अब इसमें कट ऑफ को अगर आपको अच्छा करना है तो कौन से सेक्शन को आपको अच्छे करने होंगे, इंग्लिश आप बेहतर करो। इंग्लिश एक ऐसा विकल्प है जहाँ से आप आराम से अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो इंग्लिश में अगर 20 प्लस लाने भाई, तो इंग्लिश के काफ़ी सारे वीडियो मैंने पहले भी बना रखा है, SBI क्लर्क पे भी काफ़ी सारे मैंने वीडियो बनाए थे, SEQDC पे भी बहुत सारे वीडियो बनाए थे। तो यहाँ पे बात हो रहा था IBPS का, तो ऐसे नहीं कि अगर SBI वाले अगर SBI क्लर्क का जो मैंने पढ़ा था उसकी वीडियो अगर आप देख लेते हो तो उससे आपको नुकसान होगा, बिल्कुल नहीं। सेम चीज़ वही पैटर्न पे, बैंकिंग पैटर्न पे। तो आप SBI के काफ़ी सारे लगभग 50 प्लस वीडियो इंग्लिश के अपलोड हैं, वीडियो के प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा और इंग्लिश में 20 प्लस आप मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में कुछ खास नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं रहा, बस इंपॉर्टेंट था कि भाई आपका जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, आपका यहाँ पे 4300 प्लस वैकेंसीज आ चुकी है। प्रीलिम्स की बात करें तो मिनिमम जो है कट ऑफ होंगे और साथ ही साथ 20 मिनट सभी सेक्शन में होगा, 3 सेक्शन का एग्ज़ाम होगा और इसमें और उसके बाद मेंस पेपर होगा, मेंस पेपर के बाद उसमें मेंस पेपर में आपका डिस्क्रिप्टिव भी होगा इंपॉर्टेंट चीज़, और 100 रुपये फीस लग रहे हैं PWD SC ST वाले के लिए और ऑल जितने भी EWS वाले हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी या OBC के लिए, उनको 600 रुपये लग रहे हैं। और लास्ट का यहाँ पे देख लीजिए एक बार फिर से कि कट ऑफ क्या गया था, ठीक है। और जो ऑनलाइन जो स्टार्ट होने का, एंड होने का, आपका प्री और मेंस का पेपर कब कब होना है, यहाँ पे इसमें दिया गया है, मेंशन किया गया है, ठीक है। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।